युवक को प्रेम जाल में फंसाकर कराया धर्म परिवर्तन। राजसमंद जिले में लव जिहाद और धर्मांतरण का अनोखा मामला सामने आया है। मोही गांव के एक युवक को समुदाय विशेष की युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाया और फिर शादी करने से मना कर दिया। इससे परेशान युवक ने दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों ने पहले उदयपुर पुलिस रेंज में आईजी कार्यालय और परिजनों के साथ ही हिंदू संगठनों ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। युवती समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ कांकरोली पुलिस थाने में युवक को धमकाकर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। युवक की मां लाड कुंवर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि मोही गांव के युवक हर्षित उर्फ बंटी ने 7 अप्रैल को विषाक्त पदार्थ खा लिया था, जिसने उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मृतक के मोबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मृतक युवक की मां ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे हर्षित को समुदाय विशेष की युवती ने पहले प्रेम जाल में फंसाया और निकाह करने का झांसा दिया। इसके बाद उनके बेटे से किस्तों में करीब 6 से 7 लाख रुपए हड़प लिए। उनके बेटे से एक स्कूटी भी मांगी गई। इसके अलावा युवती ने अपने भाई मुस्तफ़ा को 32,000 रुपये का मोबाइल भी दिलवाया था। आइए अब जानते हैं इस मामले में मृतक के परिजन क्या कुछ बोले। और मेरे बच्चे ने किसी के दबाव में आके जहर खा लिया है और एक जन्नत नाम की लड़की है, उसने उसको बसला फुसला के उसको निगाह करने का धांसा दे के उससे स्कूटी मोबाइल और पैसे भी ऐंठ लिए हैं। और उसकी माँ भी उनके साथ है, जो उसको लालच दे दे के उसको उसके पास से पैसे मंगवाती थी और निगाह नहीं करने का मामला बाद में मना किया तो उसने जहर खा लिया और सुसाइड कर ली। भर्ती हैं लाड कुंवर, राजसमंद मोही गांव के कांकरोली थाना के निवासी हैं और इनके बच्चे की डेथ हो चुकी है। और एक इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जैनब की मां और एक उसका भाई मुस्तफ़ा और उसके अन्य 4-5 साथी युवक और एक मौलाना, उनके ऊपर आरोप ये लगाया है कि उन्होंने इसको बेसला फुसला कर इसका धर्म परिवर्तन कराया और धर्म परिवर्तन कराने के बाद में इससे लाखों रुपये ऐंठ लिए, इसके नाम से मोबाइल स्कूटी ऐंठ लिए। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि भाई अगर तू धर्म परिवर्तन करेगा तो हम तेरे से शादी कराएंगे। उनके मना करने के बाद में और इस लड़के ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद में इनके परिजनों को उसके मोबाइल से उसके ऐसे फोटोग्राफ्स और ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बरामद हुई। जिला राजसमंद के पुलिस थाना कांकरोली में 3 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ है 306, 384, 120B में, जिसमें मृतक हर्षित वर्मा, हर्षित नाम का लड़का जो कि पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती था और किसी विषाक्त खाने से उसकी मृत्यु होना ऐसा है, बट उसका पोस्टमार्टम नहीं करा सके क्योंकि परिजनों ने सूचना बाद में दी। जब सूचना दी उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है और उस पर भी अनुसंधान जारी है। बिल्कुल, उसमें FIR में ये भी है कि लड़के का धर्म परिवर्तन का उन्होंने कोशिश करी, ऐसा उन्होंने फ़ोन में रिकॉर्डिंग पाई है, तो बिल्कुल फ़ोन हमने जब्त कर लिया है। अब उसकी रिकॉर्डिंग को FSL भेजेंगे और उसे पूरा अनुसंधान करेंगे। हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था, हनुमान जयंती के दिन नाच रहा था कर रहा था, उसके फोन से मिला कि ये तो रोजा चल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अपना धर्म तू तो मुस्लिम धर्म अपना लिया, ये क्या है। तो उस दिन से अगले दिन वो शाम को घर खाना खाने के लिए आया था, उसका फोन आया, थाली भी छोड़ के चला गया, उसके बाद वापिस ही नहीं आया। उन लोगों को सोचा दो, न्याय दो हम भाई को। पुलिस रिपोर्ट में मां ने बताया कि निकाह करवाने के नाम पर पहले उनके बेटे का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन बाद में निकाह करवाने से मना कर दिया गया। इसके बाद युवक को धमकी दी गई कि यदि वह वापस हिंदू धर्म में जाएगा तो उसे और उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। इसी वजह से हर्षित ने दबाव में आकर विषाक्त पदार्थ खा लिया। इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक बेनी प्रसाद मीणा ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कांकरोली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और युवक के मोबाइल के आधार पर जांच की जा रही है।